स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दास्तान मुसाफिर में, और मैं चेतन फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई दास्तान लेकर। हिमाचल प्रदेश के पार्वती वैली में स्थित कसौल नेचर लवर और आध्यात्मिक अनुभव को ढूंढने वालों के लिए एक स्वर्ग। कसौल जिले को अक्सर मिनी इसराइल भी कहा जाता है। कसौल ऊंचे पाइन के पेड़ों और पार्वती नदी के किनारे एक छोटा सा गाँव है, और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। कसौल आने वाले पर्यटक पार्वती नदी के किनारे काफी आनंदित महसूस करते हैं और यहाँ पर छुट्टियां बिताने आते हैं। इसके अलावा कसौल आकर खीर गंगा और ग्राहन की ट्रैकिंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत औसम रहा। नेचर का सबसे सुंदर रूप मुझे यहाँ देखने को मिला। सुंदर नेचर, शांत माहौल के साथ साथ यहाँ अध्यात्म भी आपको और काफी पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैं बात कर रहा हूँ मणिकरण गुरुद्वारे की। कसौल में पार्वती नदी के किनारे स्थित मणिकरण गुरुद्वारा सिर्फ एक गुरुद्वारा मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक विविधता का एक प्रतीक भी है। और इसका महत्व और बढ़ जाता है जब आप जानते हैं कि यह यहाँ 15वीं शताब्दी से श्रद्धालुओं और भक्तों का स्वागत कर रहा है। मेरे कैंप से लेकर मणिकरण तक का रास्ता है 3 किलोमीटर, जिसमें से 1.5 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है, और यहाँ से मणिकरण हो जाए 1 किलोमीटर। वैसे तो इस गुरुद्वारे के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन दो जो सबसे लोकप्रिय है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा ही नाम से ही पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति मणि से हुई है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती रहा करते थे। इसी दौरान माता पार्वती की कानों की बाली इस नदी में गिर जाती है और शेष नाग उस मणि को निगल जाता है। इसके बाद शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तांडव करने लगते हैं। ऐसी प्रलय आती है कि नदी का पानी उबलने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप शेष नाग को यह मणि भगवान शिव को लौटानी पड़ती है। एक दिलचस्प बात तो यह है कि इसकी दूसरी कहानी भी काफी लोकप्रिय है। इसके अनुसार सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ 15वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे। यहाँ पहुँचने के बाद जब उन्हें और बाकी लोगों को भूख लगी तो उन्होंने लंगर का आयोजन किया। अब खाना बनाने का सारा सामान तो उपलब्ध था, लेकिन पकाने के लिए कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उनकी सच्ची साधना के फल स्वरूप वहाँ गर्म पानी के कुंड की उत्पत्ति हुई, और उस पानी में खाना बनाकर लोगों की भूख को शांत किया गया। है ना मजेदार किस्से? और ये सिर्फ मजेदार किस्से ही नहीं, बल्कि लोगों की भगवान के प्रति आस्था का प्रतीक भी है। अध्यात्म के अलावा इस स्थान का उपचारिक महत्व भी काफी लोकप्रिय है। कहा जाता है कि यहाँ पवित्र गर्म कुंड में स्नान करने से बहुत से रोगों से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, गुरुद्वारे के अंदर भी एक गर्म गुफा है, जिसमें बैठकर आप प्राकृतिक रूप से सौनाबात ले सकते हो और नेचुरल हीलिंग के माध्यम से रोगों से मुक्ति पा सकते हो। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश समुद्र तल से लगभग 1760 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यात्रियों के आने का सबसे सही समय अप्रैल से जून तक है। हालांकि जिन लोगों को ठंड का मौसम काफी पसंद है, वो साल के किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको भी अध्यात्म, आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य को एक साथ महसूस करना है तो यहाँ जरूर आना।